तो सभी बच्चों के लिए एक रिसेंट अपडेट है रिगार्डिंग VIT EEE 22। एंड इस वीडियो में मैं आपका एग्जामिनेशन मोड के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन मोड है वो होम बेस्ड होगा या सेंटर बेस्ड होगा। उसके पहले आपको जैसे पता होगा कि आज CBSE का डेट शीट अनाउंस हुआ है। 11 मार्च को CBSE जो क्लास 12 का जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुका है। एंड उनका जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपडेट है, इन्होंने अपने वेबसाइट पर मॉडिफिकेशन किए हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, लेकिन एग्जामिनेशन डेट का कुछ नहीं बताया गया है। एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका था, आप पहले अगर देखोगे वीडियो तो अनाउंसमेंट हो चुका था रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस फॉर्म 30 मई से लेकर के 7 जून तक, लेकिन ये अब शो नहीं कर रहा है, टू बी अनाउंस लिख रहा है। यानी एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि आपका जो VIT एग्जामिनेशन है वो 30 से लेकर के 7 जून के बीच में कंडक्ट नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि ये आप देख सकते हो ना, ये अपडेट रिसेंटली आया था CBSE की तरफ से एंड इन्होंने खुद ही जल्दी अपने वेबसाइट पर ये मॉडिफिकेशन किए। तो देखो, जो बच्चे अप्लाई नहीं किए VIT के लिए तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। आप लोग नेक्स्ट मंथ के लिए वेट मत कीजिए, जब ये वीडियो देख रहे हो तभी अप्लाई कर दीजिए। तो जो बच्चे CBSE के, चलो उनके लिए काफ़ी सही है कि आपका मतलब बोर्ड जो है वो काफ़ी सही से चलेगा एंड आप बोर्ड के बाद इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। तो देखो, लास्ट ईयर आपका जो एग्जामिनेशन मोड था वो होम बेस्ड था, ठीक है, लेकिन इस ईयर होम बेस्ड नहीं होने वाला, ये कन्फर्म है, ठीक है। इसके पहले मतलब आज ही मैं एक अपडेट चेक कर रहा था तो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि आपको एग्जामिनेशन डेजिग्नेटेड सेंटर पर जाकर ही देना होगा, आपको सेंटर पर ही जाना होगा, एग्ज़ाम आपका होम में नहीं होगा, घर में नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो होम बेस्ड नहीं होगा, सेंटर पर जाना पड़ेगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बताया गया। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 30 मई से लेकर के 7 जून के बीच में जो होना था वो नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, तो आप सभी बच्चे अप्लाई कर दीजिए। देखो, लास्ट ईयर का बात करें VIT का तो चीटिंग हुआ था एंड ये नहीं चाहेंगे कि इस साल भी वही चीज़ हो। तो देखो, लास्ट ईयर का बात कुछ अलग था, कोविड का केसेस था, लेकिन इस ईयर वैसा कुछ भी नहीं है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो प्योरली सेंटर पर ही जाकर देना होगा, लाइक ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम घर में नहीं होगा, सेंटर पर ही होगा। वैसे कुछ भी अपडेट आता है रिगार्डिंग VIT मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा कि एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है या कुछ भी मॉडिफिकेशन आए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड बात करें कॉमेंट की का, तो देखो कॉमेंट की का भी जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा 3rd या 4th वीक ऑफ मार्च को। तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कॉमेंट की का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहे।